सो मुझे हमेशा से ऐसे कपड़े पहनने का यू नो ड्रीम था, तो अभी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग माई ड्रीम्स. तो पहले जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ टीवी पे देखती थी ऐसे कपड़े, ऐसे मेकअप, एवरीथिंग. तो अभी खुद पहन रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी. अभी भी तो मुश्किल हो रहा है बिलीव करना कि यू नो आई एम इन टॉप थ्री एंड आई एम इन फाइनल. सो यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई केम सो लॉन्ग. सो मेरा जर्नी इतना अच्छे तरीके से हो रहा है अभी भी. सो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई गेस माई पेरेंट्स आर प्राउड टू एंड आई मिस देम अ लॉट. अभी मेरे लिए सुपर मॉडल ऑफ द ईयर जितना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्टली इट्स माई ड्रीम, इट वॉज माई ड्रीम. जब से मैंने MTV पर ना रियलिटी शो मॉडलिंग के लिए दिखा, तो मैं तब से आना चाहती थी. तो अभी मैं जी रही हूँ, आई एम लिविंग दैट मोमेंट. एंड येस, फॉर दोज वुमेंस जो भी, नॉट ओनली वुमेंस बट ऑल्सो मैन, जो भी यू नो अपना प्रॉब्लम सर्कमस्टांसिस के वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, जो भी अभी वही अपना ड्रीम सब छोड़ के दे आर यू नो टेकिंग अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू ड्रीम एंड इफ़ यू यू नो गिव होल हार्टेडली, तो अगर आप ड्रीम करोगे तो यू विल अचीव इट. तो मैं क्या कहते हैं लड़की लोग को, सॉरी, तो मैं सिर्फ लड़की लोग को ही नहीं लेकिन मैन को भी ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका होता है, सबका होता है, लड़की हो या लड़का हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. लेकिन जो आपका ड्रीम है प्लीज़ उसको चेस करें, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओवरलैप ना करें आपके ड्रीम को. So yeah, that's all I want to say.